तो फ्रेंड जब आप किसी कंपनी के मॉल को रीसेट करते हैं उसका फ्रेंड्स आपका नो कमांड का प्रॉब्लम आ रही है आपको और आपका पाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का या रिकवरी मोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आज की वीडियो आपको बताऊंगा कि आपको नो कमांड की प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना और आपको पाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट का या रिकवरी मोड का ऑप्शन किस तरीके लाना है। तो बने रहिए इस वीडियो में फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा। जब भी आप किसी कंपनी के मोबाइल को हार्ड रीसेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस पावर वाली बटन को और इस वॉल्यूम वाली बटन को यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जैसे इसे रिकवरी मोड में लाना चाहते हैं या बैप डाटा फैक्ट्री रीसेट में लाना चाहते हैं तो तब आपका ये नो कमांड की प्रॉब्लम आ रही होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस पावर वाली बटन पर क्लिक करना है और आपको इस वॉल्यूम वाली जो प्लस बटन होती है आपको इस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपका ये रिकवरी मोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर जैसे इस पर आप क्लिक करें और उसके बाद इस पावर बटन को आपको छोड़ देना, नहीं तो ये दोबारा से ये रिबूट हो जाएगा। उसका फ्रेंड्स आप यहाँ से अपने मोबाइल को आसानी से पाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और यहाँ से आपको जो भी करना हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी वीडियो थी, यदि आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बता देना, तो मैं आपको कमेंट करके जरूर दूंगा। और फ्रेंड्स यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।